कस्टोडियल डेथ है, उन्होंने क्या कुछ कहा? लेकिन मैं समझता हूँ जो पार्टी आज केंद्र में सत्ता में है उसकी प्रवृत्ति तानाशाही की है और वो न्याय में भरोसा नहीं करती, वो मानवता में भरोसा नहीं करती, वो जाति और धर्म के दंगे को बढ़ाना चाहती है ताकि वो उसका जो राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा वो बढ़ती रहे, वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो पाकिस्तान से युद्ध छेड़ दें या हो सकता है वो धार्मिक दंगे फैलवा दें, कुछ भी कर सकते हैं। उनका मकसद सत्ता पर कब्जा रखना है और ये ऐसे लोग जो संविधान में भरोसा नहीं करते, जो मानवता में भरोसा नहीं करते, जो जाति धर्म के दंगे करवाते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, समय आ गया है और देश में कानून का शासन है और मैं समझता हूँ कानून का शासन सर्वोपरि है, कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़ के नहीं है। लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार जो कानून को मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं कानून के साथ, जो लोग आए दिन हत्याएं कर रहे हैं उनको संरक्षण देने का काम करती है, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, उनको सम्मानित करने का काम करती है। अगर जुल्म करने वाले लोगों की हत्या करने वाले लोगों को उनके मंत्रीगण माला पहना के स्वागत करेंगे तो फिर मारने वालों का तो हौसला बढ़ेगा। तो इस इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ ये सब प्रायोजित है और ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि पहले मोदी जी की के सत्ता में आने से पहले इस तरह की घटनाएं देखने को ना के बराबर मिली। अगर इस तरह की घटनाएं इस सरकार के तहत ज़्यादा हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको ऊपर से दिशा निर्देश है, इनको प्रोटेक्शन है, इनको संरक्षण है और उस संरक्षण में वो लोग इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए शायद पर्दे के पीछे से सब कुछ उनको हेल्प हो रही है और वो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि एक हिंदुत्व वाला जो शब्द इस्तेमाल करके वो लोगों को गुमराह करके पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं वोट को, वही उनका महत्व उनकी जो इच्छा वो है उसी के तहत ये सब काम प्लान तरीके में हो रहा है, ये प्लैंड वे में हो रहा है और प्रायोजित है, राजनीति अचानक नहीं है। राजनीति रखती है इसमें निश्चित तौर पर, इसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। बहुत कुछ बता रहे थे एससी एसटी एक्ट के इतिहास के बारे में, लेकिन कुछ बातें